नमस्कार, मैं हूं सिद्दीका। आप देख रहे हैं टाइम टीवी न्यूज 24। आइए डालते हैं आज की खास खबरों पर एक नजर। खबर मथुरा से है, जहां जिले के श्री कृष्ण भगवान की नगरी नंद गांव में नंद बाबा मंदिर प्रांगण में रंगीली चौक पर देश विदेश के श्रद्धालुओं ने जमकर नंद गांव की लठमार रंगीली होली का आनंद लिया है। इसमें भारत ही नहीं, रूस में आए हुए श्रद्धालु भी होली के रंग में रंगे हुए हैं और झूमते गाते हुए नजर आ रहे हैं। हर किसी के चेहरे पर लाल, पीले, नीले देखने में बड़े मनमोहक लग रहे हैं और हर कोई होली के रसिया गा रहा था और चारों तरफ एक अद्भुत छटा सा मनमोहक दृश्य नजर आ रहा है। स्थानीय बुजुर्गों ने बताया कि इस रंगीली होली को देखने के लिए स्वर्ग के देवता भी मानव रूप लेकर आते हैं और स्वयं सूर्य देव भी कुछ समय के लिए इस स्थान पर आ जाते हैं। What's your name? I'm Ananta Balaram. I'm from Moscow, from Russia. Happy to see you. How everyone. Are you enjoying in this place, Nandgaon and Holi? Yes, very enjoying. It's my friends. Do you want to say something in world people for Holi in Nandgaon and Vashana? Yes. Please come Vrindavan, come Nandgaon, play Holi and be happy. I want to say something important. Is this your first time? And no, more. I stay here many times. I like Vrindavan. I like Indian people so much. So that's why I'm here. I like Holi. So this, I want to say something very important. Yeah. Bolo Krishna, Baje Krishna, Koru Krishna, Shiksha. Haribo. 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 Your name? Manish. कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा से। तो मनीष जी, आज आप यहाँ नंदगांव के इस होली में आनंद ले रहे हैं, किस प्रकार से आप यहाँ जो विशेष बात कहेंगे हमारे दर्शकों को, क्या कहना चाहते हैं? मतलब इतने कलरफुल टच होली है, मतलब बहुत एंजॉय किया हमने, हम पहली बार आए हैं और मन कर रहा है कि हर बार हम ऐसे रहते रहेंगे और कुछ मेले का मतलब मजा लेते रहेंगे इस होली का। क्या व्यवस्थाएं पुलिस की तरफ से की गई है? जैसा कि आप देख रहे हैं,
सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरे नंदगांव एरिया को 3 जोन में बांटा गया है और इसमें 9 सेक्टर है। पार्किंग और बैरियर की व्यवस्था अलग से की गई है और सभी मंदिर से लेकर वहाँ पर मंदिर में ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, गलियों में ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर होली खेली जाएगी यहाँ पर भी बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने पार्किंग बैरियर और जगह जगह पर किए हुए हैं और सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही है लगातार ताकि कोई ऐसी घटना न होने पाए और हम लोग इसको सभी चल रहे और शांति व्यवस्था कितना पूछ यहाँ पे करीब 3 प्रतिशत पौधे लगे हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे 8 सीओ लगे हुए हैं और करीब 20 इंस्पेक्टर लगे हुए हैं और दरोगा और महिला कांस्टेबल